Okay, so it is basically third chapter of the ninth standard maths 2 again. Triangles का chapter है. Triangles के chapter में हम लोग देखेंगे, बहुत easy chapter है actually. There are only few sums की थोड़ा सा वहाँ पे अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके भी मैं proper steps लिख के दूंगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. Steps का बार बार practice करेंगे तो हो जाएगा. Okay, बाकी के sums तो बहुत easy है. अच्छा, 3.1 में जाने से हम लोग को पहले एक छोटा सा ये कंसेप्ट देखना पड़ेगा अपने को. एक तो पहली बात तो एक कंसेप्ट ये है कि भाई ट्रायंगल जो रहेगा, तो ट्रायंगल के अंदर मेजर ऑफ ऑल द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स, मीन्स व्हाट, जैसे तीन एंगल देखो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है. तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल्स टू क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, राइट राइट. सेकेंडली अब इसको हम लोग में वी कैन राइट इन द फुल फॉर्म ऑल्सो, लाइक एंगल ए जो है इट्स एंगल बी ए सी, सो आई कैन राइट हियर मेजर एंगल बी ए सी. बी को लिखेंगे ए बी सी एंड सी को लिखेंगे ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये एक चीज हो गया. सेकेंड कंसेप्ट जो अपने को लगने वाला है, दैट इज योर रिमोट इंटीरियर एंगल. थ्योरम का नाम है, थ्योरम का नाम है रिमोट इंटीरियर एंगल, जो कि इंटीरियर एंगल एंड उस ट्रायंगल से जुड़ा हुआ एक्सटीरियर एंगल इसके बारे में बात करता है. तो अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी एंड इफ यू सी दिस एंगल ए सी डी इज अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या रहेगा भाई, मेजर एंगल ए सी डी एक्सटीरियर एंगल का मेजर जो रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू द अदर टू एंगल्स विच आर अवे फ्रॉम दिस एंगल, ठीक है. तो ये एक्सटीरियर एंगल देखो, इसको लग के है ना, ये एंगल को लग के है, तो इसको छोड़ो बाकी दो को पकड़ो, ठीक है. इसके और दो पॉसिबिलिटीज है, वो भी मैं दिखाऊंगा. तो मेजर एंगल ए सी डी इक्वल टू दूर, दूर कौन सा एंगल है ए सी डी से, तो ये दूर है ना, बी ए सी प्लस ए बी सी. ओके, ये एक केस हो गया. और ऐसे अलग तरह के केसेस होते हो सकते हैं, जैसे कि सपोज कि अगर ये एक कोई ट्रायंगल है, सपोज तो यहाँ पे एक मिनट निकाला है, ठीक है. तो ये से पी क्यू आर और यहाँ पे एस, सो कैन यू सी एंगल हियर एस पी क्यू, तो दिस एस पी क्यू विल बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर. तो इस एक्सटीरियर के बाजू वाला पी उसको छोड़ के बाकी दो, उसको छोड़ के बाकी दो, मतलब एंगल क्यू एंड एंगल आर. तो यहाँ पे क्या रहेगा, मेजर एंगल एस पी क्यू इज इक्वल्स टू मेजर एंगल पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू. ओके, तीसरा केस जो बन सकता है कुछ इस तरह से ना, ये जो ट्रायंगल देखो, मैंने एक टिपिकल शेप लिया है मैंने ट्रायंगल का, तो उसमें ट्रायंगल अलग अलग तरह से भी हो सकते हैं. खाली पहचानना अपने को ये पड़ेगा कि ये ट्रायंगल के तीन साइड्स है ना, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल का एक जो आर्म है, वो आर्म एक तो कॉमन रहेगा, मतलब ट्रायंगल का कोई एक साइड उसका आर्म रहेगा, और सेकेंड आर्म जो रहेगा वो किसी दूसरे साइड से निकला हुआ रहेगा, ठीक है. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एंगल दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल डब्ल्यू वाई एक्स. तो ये जो एक्स वाई आर्म है, जो मैंने बोला वही मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्स वाई आर्म इज द साइड ऑफ एक्स वाई जेड ऑल्सो, इज द पार्ट ऑफ एक्स वाई जेड ऑल्सो एंड इज द पार्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल एक्स वाई डब्ल्यू ऑल्सो. तो एक कॉमन पार्ट हो गया. एंड तीसरा, दूसरा जो आर्म होता है, वो दूसरा आर्म कैसे बनाते हैं ये लोग, जो दूसरा साइड रहेगा, ओके, पहले वाले से कनेक्टेड दूसरा साइड जो रहेगा, उसी साइड को एक्सटेंड करेंगे, तो ये मिल जाएगा अपने को सेकेंड आर्म ऑफ एक्सटीरियर एंगल एक्स वाई डब्ल्यू. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, अभी एक्स वाई डब्ल्यू है तो उसके बाजू वाला हो गया ये वाला, उसको छोड़ो बाकी दो पकड़ो. सो मेजर एंगल एक्स वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू मेजर एंगल वाई एक्स जेड प्लस मेजर एंगल वाई जेड एक्स.
ओके. सो दिस थ्री केसेस वी कैन गेट, एंड ये एक पार्ट हो गया. ठीक है, अभी 3.1 को हम लोग शुरुआत करते हैं फटाफट. अच्छा, और बाकी दो तीन जगह पे अपने को जो इसका लॉजिक लगने वाला है, जो आपको पता है कि अल्टरनेट एंगल का हो गया, ठीक है, उसके बाद में करस्पॉन्डिंग का लॉजिक हो गया, ठीक है, तो वो अपने को टाइम टू टाइम लगेगा. तो जहाँ जहाँ पे लगेगा उसका एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा ही मिलेगा. यार ये एक बड़ा दिक्कत होता है फुलस्केप के सिवा सिखाने में. ये वाइट कैसे आ गया पूरा पर? अच्छा ओके, बना लो. बहुत सिंपल सिंपल सा मैं ऊपर लगा देता. देखिए 3.1 का फर्स्ट सम के एकदम सिंपल है. ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, यहाँ पे एक एंगल है डी. मेजर एंगल ए दिया है 70 डिग्री एंड बी दिया है 40 डिग्री. हम पूछा है मेजर एंगल ए सी डी, तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है ए सी डी इज अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. तो गाइस ना, ये जब हम लोग बात लिखते हैं ना, कि पहले तो ये लिखना पड़ेगा हम लोग, भले ये एक मार्क के लिए या दो मार्क के लिए क्यों ना है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे. एंगल ए सी डी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. सो मेजर एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू सी के बाजू वाला छोड़ दो, बाकी के दो बचे हुए, मतलब मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी. आप चाहे तो उसको संक्षिप्त उसको डिटेल में भी लिख सकते हैं. सो यहाँ पे रीजन क्या आएगा? रीजन आता है इसको रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. ओके, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. तो ये जो अभी लोगों ने तीन केसेस देखे, तो वो तीन केसेस उसके ही थे, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम. बहुत सिंपल था सेकंड सम. एक्चुअली ये सम सॉल्व करने के लायक ही नहीं, पहली बात तो बहुत इजी सम है. सेकंड सम में क्या दिया है कि ट्रायंगल दिया अपने को पी क्यू आर, ठीक है, और उसमें क्या दिया है पी दिया है 70 डिग्री, उसके बाद में क्यू दिया है 65 डिग्री और इधर आर पूछा है. तो क्या बोलेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. वॉट इज दैट स्टेटमेंट? सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सबका एडिशन कितना रहेगा 180? या तो डिटेल में लिखो या तो खाली एक सेंट्रल एंगल का नाम लिखो तो भी चलेगा. मेजर एंगल पी, सेंट्रल मतलब कैसे कि ए सी डी है ना, एंगल ए सी डी, तो एंगल ए सी डी में एक्चुअल एंगल कहाँ पे होता है? सी पे होता है, इसके लिए मैंने उसको सेंट्रल बोला. ठीक है, तो एंगल पी, मेजर एंगल पी प्लस मेजर एंगल क्यू प्लस मेजर एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. दो नोन है उसका वैल्यू डाल दो, 70 प्लस 65, मेजर एंगल आर हो गया 535, तो उसको वहाँ पे भेज दो, 180 माइनस 135 ये हो जाएगा 545. ठीक है, तीसरा सम क्या दिया है? तीसरे सम में दे हैव जस्ट गिवन द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स, बट नाउ दिस टाइम मैं एक ट्राइंगल अज्यूम करता हूँ. वहाँ पे ट्राइंगल वगैरह कुछ दिया नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूज दे दिए उन्होंने. सो आई विल अज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल अ ट्राइंगल, एंड उस ट्राइंगल में आई विल गिव दिस एंगल्स. एक है एक्स डिग्री, एक है आपका एक्स माइनस 20 और ये है आपका एक्स माइनस 40. सो ऑल द एंगल्स आर गिवन यू बट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एक्स एक्स एक्स. तो अपने को पता है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर सम ऑफ ऑल मेजर ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 180 इक्वल टू 180 डिग्री. तो क्या रहेगा? मेजर एंगल पी प्लस मेजर एंगल क्यू प्लस मेजर एंगल, आई होप सब लोग को दिख रहा है, मेजर एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, तो सबका वैल्यू पुट करो, एक्स एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ब्रैकेट ओपन करो, ये प्लस है यहाँ पे तो कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है वैसे. ठीक है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स तो ये हो जाएगा 3x, माइनस 20 माइनस 40 हो जाएगा माइनस 60,
मिल जाएगा, सॉरी 3 वहाँ पे गया ना, x का वैल्यू कितना आ गया 80. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल रिसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सो वी गेट मेजर एंगल p, x नथिंग बट 80 डिग्री, मेजर एंगल q, x माइनस 20 नथिंग बट 80 माइनस 20 60 डिग्री, मेजर एंगल r नथिंग बट x माइनस 40, सो 80 माइनस 40 नथिंग बट 40 डिग्री, तीन एंगल मिल गए. वापिस एक बार एडिशन करके देख लो एक बार, जस्ट चेक वेदर दी सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज कमिंग 180 और नॉट. 80 प्लस 60 120, सॉरी 80 प्लस 60 140 एंड 140 प्लस 40 180. ठीक है, देन एक छोटा सा फोर्थ सम है यहाँ पे, क्या दिया है कि इफ आई एम रीडिंग दिस सम फॉर यू पीपल, इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल. सिंपल है यार, सबसे पहली बात तो स्मॉलेस्ट एंगल जो रहेगा उसको हम लोग ले लेंगे x, क्या ले लेंगे x. तो क्या बोला है कि भाई तीनों में से एक तो स्मॉलेस्ट एंगल हो गया, दूसरा एंगल जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल के डबल है और तीसरा एंगल स्मॉलेस्ट एंगल के ट्रिपल है, बराबर. सो सेकेंड एंगल डबल ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, सो 2x डिग्री. एंड थर्ड एंगल कितना हो जाएगा भाई, थ्राइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, तो कितना हो जाएगा 3x डिग्री. ठीक है, तो तीनों की डिग्री आप पता चल गई. तो हम लोग क्या करेंगे फिर, सिंपल, इन ट्राइंगल सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो x डिग्री. या तो आप लोग एक अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, लेट्स अज्यूम अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लो अच्छी तरीके से पी क्यू आर, फिर उसको एंगल्स असाइन कर दो ना, सब ये स्मॉलेस्ट हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया. ठीक है, तो सही दिखेगा ना. तो मतलब क्या कि बोल सकते हैं कि भाई इन ट्रायंगल पी क्यू आर मेजर एंगल पी प्लस मेजर एंगल क्यू प्लस मेजर एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, x प्लस 2x प्लस 3x तो हो जाएगा अपना 6x, और 6 वहां पे गया तो आंसर कितना आएगा 30. ओके, इसका मतलब ये हो गया 30, ये 32 जा 60 और ये 33 जा 90. ठीक है, तीनों एंगल मिल गया. फटाफट नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हम लोग, ज़्यादा टाइम अपने को वेस्ट नहीं करने का है, ये जो छुटको और बुटको समसे इनके ऊपर. ठीक है, देन सम नंबर 5 देखिए. सम नंबर 5 अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसा नज़ारा हम लोग को दिखेगा. क्या है वो, दिस इज योर पॉइंट ई, पूरा ऑफ द रिकॉर्ड हो गया, अरे इसको डायग्राम को कट कर. Okay, now these angles are given to you, x, y, and z.
Now this is your 100 degree. This is your 140 degree. Okay. Now what they are asking you to find the all values of x, y, z. Now it's quite simple. Now here we need to apply some logics from the previous chapter that we have seen. That is, can you see your angle z and angle 140 degree? दिख रहा है टी शेप बन रहा है, याद है अपना वो एंगल सीन लीनियर पे है, बराबर है। तो आप अपने दिखा था सीधा टी, उल्टा टी, राइट, ऐसे कुछ चार केसेस देखे थे हम लोग ने। तो ये उसी केसेस में से उल्टा टी वाला केसेस है। सो ये वी कैन से दैट, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, ई एम आर प्लस ई एम एन, ठीक है ना। तो इसके इसका एडिशन कितना रहेगा, 180। वाई? बिकॉज दे आर एंगल्स इन लीनियर पेयर, दे आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ई एम आर का वैल्यू पता है कितना है, जेड, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 140। सो जस्ट पुट द वैल्यू, 140 विल गो ओवर देयर। क्या आएगा आंसर भाई, आंसर आएगा 40 डिग्री। सिमिलरली वी कैन डू विद द वाई ऑल्सो, नो दिस shape, you can see over here, this is forming another T shape. तो यहाँ पे इसके लिए बोलो भी measure angle T E N T E N T N E M N E M is equals to 180 degree. इसका result भी क्या आएगा, same ही आएगा ना, angles in linear pair. अलिप्पा T E N दिया हुआ है 100 डिग्री, एन ई एम विच इज योर वाई डिग्री, और सिंपली यू कैन से वाई। यहाँ पे डिग्री वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया, बट इट इज बट ऑब्वियस थिंग दैट एंगल का वैल्यू दिया है, इसका मतलब वो डिग्री रहेगा। बट यहाँ पे व्हाट दे आर ट्रीटिंग दिस थिंग एज अ वेरिएबल, सो 100 वहाँ पे क्या, yoga y, yoga z. Now to find the x, we know very well what to do. We in this one triangle, we know the value of two angles and another angle is unknown. So what we will say in the triangle, all the sum of all measure of some measure sum of measure of all angles is equals to 180 degree. So measure angle E plus measure angle N plus measure angle M equals to 180 degree. So this y plus x plus z equals to 180 degree. Two values I know already, that is 80, and your z is how much, your z is 40. So this addition will be, yahan pe x bachega, ye addition aayega 120. X ka answer aayega 60 degree. Okay, so in this way we can solve this numerical also. Now then, there is one another numerical. यहाँ पे भी अपने को previous chapter का थोड़ा सा information use करना पड़ेगा ही पड़ेगा. So let me draw first diagram for you people. Now see what they have given you, ये ए बी दिख रहा है, ए बी रे ए बी एंड रे डी ई, दे आर ऑलरेडी पैरलर, दे आर ऑलरेडी पैरलर। चलो भाई इसका मतलब कुछ तो ठिकाने आया। जैसे ये बोलेगा ना कि यार दो रे पैरलर है, एक ट्रांसवर्सल है, फटाफट अपना वो तीन एंगल्स अपने मन में आना चाहिए, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देन उसके बाद में इंटीरियर एंगल्स, उसके बाद में अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में दो टाइप्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं पे तो आपका पाला पड़ेगा जब दो लाइन पैरेलल दिखेंगे और उनका एक कॉमन ट्रांसवर्सल रहेगा एंड
seg AD is transversal. Okay. Now what they are asking you here, measure angle DRE पूछ रहा है and ARE पूछ रहा है. This is kind of very simple sum it is. पहले तो भाई आइडेंटिफाई करो ना, जो पूछा है वो आइडेंटिफाई करो. DRE दिखा क्या? DRE ओके, इसको निकालने का है. देन ARE इसको निकालने का. देखो इफ यू सी केयरफुली देन DRE एंड ARE दे आर फॉर्मिंग अ टी शेप नो, सो दे आर एंगल्स इन लीनियर पेयर. तो दोनों का एडिशन क्या रहेगा? 180 डिग्री. तो भाई या तो मैं DRE निकाल लूँ तो ARE ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, या तो मैं ARE निकाल लूँ तो DRE ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पे सबसे सिंपल काम रहेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ DRE. सो लेट्स फाइंड आउट दैट. नाउ यू कैन ऑल्सो सी DRE इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल DRE, राइट? एंड वी नो इन ट्राइंगल वी कैन अप्लाई दैट सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो मेजर एंगल DRE प्लस मेजर एंगल DER प्लस मेजर एंगल RDE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लेकिन उधर भी देखो अपने को तीन एंगल मिलता है, बराबर है? मैं लिख दूँ, चलो RDE प्लस DRE प्लस RDE इक्वल्स टू 180 डिग्री. अभी इसमें से देखो एक ही वैल्यू पता है. अभी देखो ये थ्योरम कब अप्लाई होगा? जब यार तीनों में से किसी दो लोग का वैल्यू पता होना चाहिए. तो RDE का पता है, DRE का तो निकालना है. RDE के बारे में कुछ तो सोच सकते हैं हम लोग? यस, बिल्कुल सोच सकते हैं. बिकॉज यू सी ओवर बी ए बी एंड डी ई दे आर पैरेलल, राइट? सो कैन यू सी इमीडिएटली दिस एंगल ओवर हियर, बी ए डी, बी ए डी, थोड़ा और कर देता हूँ, एंड ए डी ई, दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स, राइट? तो अल्टरनेट एंगल्स है तो कॉन्ग्रेंट रहेंगे. सो वी कैन से एंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट विथ एंगल ए डी ई. इसका डायग्राम निकल के देता हूँ मैं आपको. टेंशन मत लो, टेंशन जरा भी मत लो, ये अलग से निकाल के दिया सेपरेट. तो ये एंगल एंड ये एंगल, इफ दिस इज 70 देन ए डी ई विल बी ऑल्सो, मेजर एंगल ए डी ई विल बी ऑल्सो इक्वल टू 70 डिग्री. बट देखो गाइज, ए डी ई एंड आर डी ई दे आर नॉट डिफरेंट एंगल्स नो, बिकॉज आर पॉइंट आर इज ऑन द आर्म ए डी ओनली, राइट? तो यू कैन से एंगल ए डी ई इट्स congruent with angle RDE. Hence, major angle RDE equals to 70 degree. तो RDE मिल गया 70, ये दिया तेरे को 40, तो ये आराम से निकल लेगा. इसी को मैं वापस रिपीट करूंगा यहाँ पे. Major angle RDE plus सिंपल सिंपल सम्स है, ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. कॉमन सेंस रखेंगे, पूरे होशो हवाज में सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 70. दैट इज इक्वल्स टू 110. भेज दो भाई, हम लोग को तो सरकार घर के बाहर नहीं भेज रहा, आप तो भेज दो उसको 110 पे. आंसर आएगा 70 डिग्री. नाउ वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस 70 डिग्री नो, सो नाउ कैन यू सी ओवर हियर, ये कुछ ऐसा है ना भाई, डी आर ई एंड ए आर ई, सो दे आर एंगल्स इन लीनियर पेयर. वी कैन से मेजर एंगल, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था
कि एट एवरी स्टेप जहाँ पे जितने छोटे छोटे डायग्राम्स हम लोग को दिखाना पॉसिबल हो जाएगा उतना हम लोग दिखाने का ट्राई करेंगे, सो दैट द एग्जामिनर विल गेट कन्विंस टोटली यार ये बंदे को पूरा समझा है अच्छी तरीके से. एंड दिस कैन बी अ वेरी गुड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर पेपर ऑल्सो. रीजन लिख दो यार बाद में. एंगल्स इन लीनियर पेयर ए आर ई पता नहीं है. समीर दोन कशाला घेतो आहे. ए आर ई सो दिस 180 मायनस 70 हाउ मच इट विल बी 110 डिग्री. ओके दैट वॉज एन अक्यूट एंड दिस वॉज एन ऑब्ट्यूज. तो पता है ना कि एंगल्स इन लीनियर पेयर में क्या होगा कि अगर ये तेरा पूरा प्रॉपर्टी है ना, अगर प्रॉपर्टी है तो ये तेरा 90 रहेगा, ये तेरा 90 रहेगा. अगर आड़ा टेढ़ा टी है, आड़ा टेढ़ा टी मतलब ये कुछ ऐसे हो गया ना, तो आड़े टेढ़े टी में एक एंगल तेरा अक्यूट रहेगा तो दूसरा एंगल तेरा ऑब्ट्यूज रहेगा. ये बात याद रखिए ठीक है. सो ये पार्ट हो गया. दिस सम इज ऑल्सो डन. नाउ आफ्टर दिस टाइम कितना हो रहा है 26. Let's stop this video over here, continuing the next part.